वो हर मन जाना ये सर्टिफिकेट मेरा तो बन रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा तो नहीं बन रहा है। अभी हमारे जितेंद्र पाल जी ने बात किया कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन्हीं लोगों ने इन्हीं से चोटी का जोर लगा दिया था। शासन में जो पार्टी है वहाँ भी से रिमाइंडर आया, डीएम एसडीएम तहसीलदार इन्होंने आदेशित किया कि नहीं किसी भी कीमत पे इनका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, और वहाँ पे ये कह करके अधिकारियों ने बरगला दिया कि नहीं यहाँ तो गणेर है पाल पाए जाते हैं, यहाँ पे अंदर नहीं पाए जाते हैं। मित्रों, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हुई थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने हुए थे, शायद आदेश आया था कि सब सारे कुटुंब रजिस्टर में दर्ज हो जाए, कड़ेरिया के जगह धनकर दर्ज हो जाए, जिन लोगों ने दर्ज करवा लिया उनका सर्टिफिकेट भी बना। कुछ लोग दर्ज करवाने के बाद भी आज तक नहीं बनवा पाए, उनको जरूरत नहीं रही होगी। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पूरब और पश्चिम की बात हो रही है, सही तो बात यही है कि पश्चिम हम लोगों से आगे रहा है, काम हम लोग करते हैं उसका मजा पश्चिम के लोग लेते हैं, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट पश्चिम में बन चुका है। पश्चिम में इसी धनगर सर्टिफिकेट के नेता पैदा हो भी चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं पूरब में धनगर नहीं है। लेकिन मित्रों, कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर खामियां हैं, हम लोग अपने को पाल तो लिखते हैं, क्या धनगर नहीं लिख सकते हैं? जिस दिन हम अपने आप को धनगर लिखना चालू कर देंगे, अपने निवास स्थान घरों पे धनगर लिखना चालू कर देंगे, अपने शादी कार्ड पे धनगर लिखना चालू कर देंगे, उस दिन अगर लेखपाल रिपोर्ट लगाने के लिए जाता है और पता करता है हमारे गांव घर में, तो ये पता चल जाएगा कि नहीं कहीं ना कहीं यहाँ भी धनगर निवास करता है। हम लोग बातें तो कर देते हैं लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज भी स्तरीय पंचायत चुनाव में भी तुरंत का तुरंत सर्टिफिकेट बना, लोग चुनाव भी लड़े, कुछ लोग चुनाव भी जीते हैं, इसी गाजीपुर में कुछ लोग उसी स्तर का सर्टिफिकेट से नौकरी भी कर रहे हैं। मित्रों, हमारे एक भाई जितेंद्र पाल जी ने कहा था, हम लोग थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियों में भी इन्वॉल्व हैं, बड़ा कष्ट होता है वहां मंच के माध्यम से राजभर समाज को, चौहान समाज को, गोंड समाज को, सारे समाज को याद तो किया जाता है लेकिन हमारे समाज को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा समाज कई पार्टों में बट चुका है, हमारे समाज को कोई लोग तवज्जो नहीं देते। जो समर्थवान व्यक्ति है वो तो अपने आप को दिखा लेता है लेकिन जो समर्थवान नहीं है वो कहीं ना कहीं दूसरे के पीछे बाध्य हो जाता है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि हमारा संगठन कमजोर है, हम अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं। मित्रों, मैं तो नहीं जानता था, मैं भी अपने यहाँ एक छोटा सा चुनाव अपने परिवार में लड़ा दिया था, मैं उसी में भी जीता, रमेश भैया की सीट सुरक्षित हो गई थी। हमने कहा कि भैया पार्टी में हम लोगों का भी कहीं ना कहीं योगदान है, अगर आपकी सीट बरकरार रह जाती है तो समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाने का काम विनोद पाल आपको करेगा और मैं अपना चुनाव छोड़ करके मैं आ जाऊंगा आपके साथ मैदान में। खुदा ना खास्ते इनके यहाँ सीट चेंज हो गई, चुनाव नहीं लड़ पाए। मित्रों, जिस एरिया में हमारे जितेंद्र भाई निवास करते हैं मनिहारी में, हम लोग चाह रहे थे कि रमेश भैया वहां पे चुनाव लड़े, पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने हमको मना कर दिया।
लेकिन हम लोगों का एक नौजवान जो अभी अभी पता चला है कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए अपना नया नया सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, इसी त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान वहां पे हम लोगों के समाज का एक धुरंधर जो तैयारी कर रहा था, अगली बार वो चुनाव भी लड़े थे, शायद अपनी समाज इन लोगों का बड़ा सहयोगी भी था वो आदमी, लेकिन उन्होंने कह दिया उस आदमी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, उस आदमी ने दूसरे को चुनाव अपने समाज के दूसरे आदमी को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उसने कहा कि मैं इतने दिनों से खेती किया हूं तो दूसरा कैसे काट जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की सफलता। जब मैं सुना तो बड़ा हमको कष्ट हुआ।